असल राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक शुरू होने के साथ ही छात्र नेताओं का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे हैं कुलपति सचिवालय। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। लगातार कई मांगे इसे लेकर छात्र नेता सक्रिय तो रहते ही हैं, लेकिन अब जब सिंडिकेट की बैठक शुरू हुई तो फिर सचिवालय पहुंचना शुरू हो चुका है। छात्र नेताओं का प्रदर्शन शुरू कर दिया। तस्वीरें सामने आ चुकी है राजधानी जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तस्वीरें जरा देखिएगा। भारत दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। भारत, एक तरफ बैठक चल रही है अंदर और बाहर छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी है, आपके पास क्या जानकारी है, क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना है छात्र नेताओं का? देखिए बिल्कुल पूनम, करीब एक साल के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में जनरल सिंडिकेट की बैठक हो रही है और बैठक शुरू हुए करीब आधी घंटे का समय निकल चुका है। वही कुलपति सचिवालय के बाहर आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र नेता हैं वो कुलपति सचिवालय पर प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जी देखिए, जनरल सिंडिकेट की बैठक है, पिछली बार की अगर बात करें तो दिसंबर 2022 में हुई थी, उसके बाद अब ये जो बैठक है वो आयोजित हो रही है। इसमें आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कई इनकी मांगे हैं, बात की जाए सीट बढ़ोतरी को लेकर। देखिए यूजी और पीजी के जो एडमिशन हो रहे हैं उनमें सीटों की बढ़ोतरी है, उसका यह प्रस्ताव है वो यहाँ पर पास हो। आपने देखा कि सिंडिकेट की बैठक के लिए जो विधायक है अमीन कागजी वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, गोपाल मीणा यहाँ पर पहुंचे थे, कुलपति है, राजस्थान निलंबित तक्षक है, तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं इस सिंडिकेट की बैठक को लेकर तमाम छात्र नेताओं ने रणनीति है वो जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर पूनम किया जा रहा है। अब इन छात्र नेताओं से बात कर लेते हैं। देखिए चलिए ठीक है भारत, आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे। दरअसल सचिवालय के अंदर सिंडिकेट की बैठक चल रही है लेकिन बाहर हंगामा जारी है, लाठी यहां पर चल चुकी है पुलिस प्रशासन द्वारा, छात्र नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए फर्स्ट इंडिया पर, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर घुसने की कोशिश यहां पर की थी। लाठियां चल चुकी है पुलिस प्रशासन द्वारा, यानी कि जाहिर सी बात है छात्र नेताओं ने उत्पाद मचाना शुरू कर दिया है और उनको खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग कर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठियां भाजी जा रही है। सहयोगी भारत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भारत, यहां पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है अंदर घुसने की कोशिश की होगी, उत्पात मचाएगा और इसीलिए लाठियां यहां पर चल पड़ी है, लेकिन अब धरना भी यहां पर देने की कोशिश है, ज्यादा जानकारी दीजिएगा। देखिए बिल्कुल पूनम, राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठी चार्ज इस वक्त हुआ है। पुलिस की जो तमाम व्यवस्था थी वो पूरी तरह से फेल नजर आई। बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और जो बैरिकेडिंग पुलिस की ओर से की गई थी वो यहाँ पर तोड़कर छात्र नेता अंदर घुसा है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग यहाँ पर किया लेकिन छात्रों को अंदर आने में सफलता यहाँ पर मिली। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कुलपति सचिवालय तक छात्र अब यहाँ पर पहुंचा है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। आपने देखा कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर छात्रों पर किया, सिंडिकेट की बैठक से पहले छात्र नेताओं पर जोरदार लाठीचार्ज यहाँ पर किया गया है और पुलिस प्रशासन के जो तमाम इंतजाम सिंडिकेट की बैठक से पहले यहाँ पर किए वो पूरी तरह से फेल नजर आए। देखिए पुलिस की इंटेलिजेंस की बात करें तो तमाम यहाँ पर चीजें हैं वो यहाँ पर फेल नजर आई है। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी कि बड़ी संख्या में छात्र नेता यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे, देखिए राजेंद्र राठी ऊपर लाठीचार्ज किया, क्या कहना है? देखिए छात्र, इन लाठियों से डरेगा नहीं, इन लाठियों का जवाब भी देंगे हम। छात्रों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के हितों के लिए हमारा खून भी बहे, हम तैयार है, लाठियों से नहीं डरेंगे, बता देना चाह रहे हैं प्रत्येक छात्र की आवाज के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है। लोकतंत्र में आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है, ये इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार और हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन मिला हुआ है, ये चाहते हैं कि ये विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन जाए या छात्र हितों की कोई मांग नहीं हो। हम हमारी मांग लेके आए हैं, मांगों के ऊपर भी आप देखिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, ये कहां लोकतंत्र में कहां का न्याय है कि कार्यकर्ता और विद्यार्थी अपनी मांग नहीं उठा सकते? अच्छा सिंडिकेट में आपकी मांग लेकर आए लेकिन आपको लाठियां मिली, क्या कहना है? ये लाठियों से हमारी आवाज को दबाना चाह रहे छात्र की, आम छात्र की आवाज को, गरीब की आवाज को दबाना चाह रहे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को हम चेताना चाहते हैं कि आप कितना ही लाठी चार्ज करवा लो चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम आम छात्र की आवाज को बुलंद करते हैं और बुलंद करते रहेंगे।
देखिए पूनम, राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिलहाल छात्रों पर लाठीचार्ज यहाँ पर हुआ है, उससे छात्र बेहद गुस्साए हुए हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, दोबारा से एक बार छात्र बड़ी संख्या में फिर एक बार बैरिकेडिंग के पास यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीर, बिल्कुल बिल्कुल भारत, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों तक भी ये पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए भारतीय नजर आ रहे हैं। अच्छा भारत, ये सवाल जो है हर किसी के जहन में आ रहा होगा, क्योंकि एक तो सिंडिकेट की बैठक जो है लंबे वक्त बाद, करीब एक साल के बाद हुई है, दूसरी तरफ जब छात्र के हितों के अंदर बात चल रही है तो क्यों ना सीधा छात्रों से रूबरू हो जाया जाए, छात्र नेताओं से डिस्कस कर लिया जाए, आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए कई ऐसे कारण हैं जिनसे राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन और जो सिंडिकेट की बैठक चल रही है वो यहाँ पर बचना चाहते हैं, क्योंकि छात्र नेताओं की जो जिनाइन मांगे हैं, अगर बात की जाए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की, तो वो लंबे समय से बाकी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब छात्र नेता ये मांग उठाएंगे तो तमाम जो सिंडिकेट के सदस्य वो फंसते हुए नजर आएंगे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, जिससे कोई भी छात्र अंदर घुसने का प्रयास नहीं किया, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र नेता आज पहुंचे थे, क्योंकि एक साल के बाद सिंडिकेट की बैठक है वो यहाँ पर आयोजित होनी है। और आपने देखा कि किस तरह से छात्र नेताओं ने जो पुलिस की दौर से की गई थी बैरिकेडिंग उसको तोड़ते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया और पुलिस की ओर से लाठियां छात्र नेताओं को यहाँ पर भाजी गई। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। लेकिन भारत, ये भी तो समझ में नहीं आता, जब छात्र नेताओं की बात आती है तो जब छात्र नेता इस तरीके से जब तक उत्पाद ना मचाए, अपनी बातों को ना सुनाए, क्या ये सब जरूरी हो जाता है? क्या बैठक के खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? देखिए पूनम, ये कोई पहली मर्तबा सिंडिकेट की बैठक नहीं हुई है जी। पहले भी जब जनरल सिंडिकेट की बैठक होती थी तो इस तरह के कई आपने वीडियोस देखे जिसमें छात्र नेताओं पर लाठी भांजी गई है। देखिए सिंडिकेट की बैठक में छात्र नेताओं की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। पहले अलग बात थी कि जब अध्यक्ष सिंडिकेट की बैठक में बैठक करता था, लेकिन अब छात्र नेताओं को कोई भी प्रतिनिधि है वो सिंडिकेट की बैठक में भाग नहीं लेता जी। ऐसे में छात्रों का आरोप है कि हमारी मांगों पर सिंडिकेट की बैठक में अपना कौन पक्ष यहाँ पर रखेगा। तो कई बार छात्र नेताओं की जो मांगे होती है उनकी सिंडिकेट की बैठक में अवहेलना यहाँ पर की जाती है। यही कारण है कि आज छात्र नेता आप देख रहे हैं उग्र यहाँ पर हो चुके हैं और पुलिस से उलझते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे तो व्यवस्थाएं और ज्यादा बिगड़ती जाएगी भारत, क्योंकि सिंडिकेट की बैठक फिर हो किस ले रही है जब प्रशासन में व्यवस्था ही सही नहीं है, जो मांगे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, फिर कौन सी समस्या का समाधान अंदर चल रहा है भारत? देखिए आप देख सकते हैं पूनम, तमाम संगठन, अगर बात की जाए एबीपी की बात की जाए, एनएसयूआई की बात की जाए, चाहे छात्र नेताओं की बात की जाए, तो तमाम छात्र नेता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में छात्र शक्ति का कोई भी वर्ग यहाँ पर खुश नहीं है, ना ही कोई संगठन है जी। तो आप देख सकते हैं कि छात्र नेताओं की जो तमाम मांगे हैं, देखिए 2018 रेगुलेशन जो अभी तक सिंडिकेट की बैठक में पास नहीं हुआ है, उसके चलते कई चीजें अटकी हुई हैं। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की अगर बात करें तो करीब एक साल से वो यहाँ पर अटका हुआ है। लगातार छात्र नेताओं ने कई बार पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर प्रदर्शन किए। इसके साथ साथ शिक्षकों के जो प्रमोशन की जो बात है वो यहाँ पर अटकी हुई है। रिसर्च स्कॉलर की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर अटका हुआ है। तो तमाम जो काम है वो यहाँ पर अटके हुए हैं। और आप देखिए लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र नेता हैं, उनको यहाँ पर चोट आई है, सिर में यहाँ पर चोट आई है, आप देख सकते हैं। और ये छात्र नेता देखिए, ये देखिए पूनम लाठियां देखिए आप, ये देखिए जब अपनी मांग जब छात्र नेता उठाते हैं तो किस प्रकार की लाठियां यहाँ पर मिलती है, ये आप दिखाइए, ये देखिए पूनम आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये देखिए आप, यहाँ पर हल्की फुल्की झड़प यहाँ पर लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। छात्र नेता अपनी मांग को लेकर लगातार उग्र होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस लगातार छात्र नेताओं को समझाने का प्रयास है वो यहाँ पर कर रही है, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त से पूरा मामला बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीर देख पाते हैं, कई छात्रों को लाठियां यहाँ पर लगी हैं और कई छात्र देखिए अब
कुलपति सचिवालय के अंदर यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं और तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि गहमा गहमी का माहौल है। जिस प्रकार से हमने जब कल भी खबर दिखाई थी तो ये साफ कहा था कि कल जब सिंडिकेट की बैठक होगी तो इस तरह के नजारे आम यहाँ पर होंगे और गहमा गहमी का माहौल बनेगा। तो फिलहाल वही माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इंडिया ने एक दिन पहले ही इस चीज के संकेत है वो यहाँ पर दे दिए थे कि सिंडिकेट की जब बैठक होगी तो लाठी चार्ज, गहमा गहमी, झड़प, इस तरह की चीजें आम सी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि वो सारी चीजें यहाँ पर घटित होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल भारत, क्योंकि आपके जरिए हमने ये जानकारी दे दी थी दर्शकों को कि ये तस्वीर जरूर देखने को बनेगी, लेकिन हैरानी की बात है कि सिंडिकेट में जो दिग्गज बैठे हुए हैं उनको क्या इस बारे में जानकारी नहीं थी? क्या अंदर अब उनको जानकारी नहीं मिल रही? जब छात्रों को लाठियां पड़ रही है, घाव हो रहे हैं, तो आखिर इस पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी भी तो उनकी है। आखिर वो बैठक के अंदर कर क्या रहेंगे, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि कोई भी संगठन इस बैठक से नाखुशी नजर आ रहा है। खुशी यहां पर कोई भी नहीं है और अभी भी ये लाठियां लगातार चल रही है। अगर पॉसिबल हो सके भारत, तो पुलिस प्रशासन के किसी नुमाइंदे से एक बार बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनको निर्देश क्या मिला है, क्या इनको खदेड़ने का या लाठियां भांजने का या फिर स्थिति को कंट्रोल में करने के। फिर एक बार झड़प यहां पर हुई है, फिर दोबारा झड़प यहां पर हुई है, पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प यहां पर हुई है। देखिए लाठीचार्ज, जी जी, फिर से देखिए पुलिस और छात्रों के बीच में, देखिए लाठी चार्ज यहाँ पर कर दिया है। जी जी, पुलिस की ओर से फिर लाठी चार्ज यहाँ पर किया गया है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि छात्र नेता और पुलिस फिर से उलझते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए आप, बिल्कुल भारत, इन तस्वीरों को कहीं किसी भी लिहाज से सही नहीं माना जा सकता। किसी भी लिहाज से ये यूनिवर्सिटी के लिए, पूरी यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए ये ठीक नहीं है। छात्रों के हित की बात यहाँ पर कहीं नहीं हो रही, बल्कि हितों को ध्यान में रखकर ये बैठक बुलाई गई थी। यहां तो छात्रों को लाठियां मिलती नजर आ रही है, बार बार झड़प, बार बार लाठियां छात्रों को खानी पड़ी। हो सकता है कि कईयों को हिरासत में भी ले लिया जाए, लेकिन छात्र नेता अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं। और उनका भी यही कहना है, जब हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ने उनसे बातचीत की थी तब उनका यह कहना है कि चाहे कितनी लाठियां खा ले, लेकिन हम छात्रों के हितों की बात करते नजर आएंगे। जरा देखिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत, ओवर टू यू। देखिए पूनम, पुलिस के तमाम इंतजाम थे, पूरी तरह से फैन नजर आए हैं और पुलिस के पास सिर्फ एक लाठी चार्ज का तरीका बना है। जी देखिए, बच्चों पर जिस प्रकार से लाठियां भांजी जा रही है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा, प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जब छात्रों के द्वारा जो मांग अपनी उठाई जा रही है उनके बदले लाठियां उनको मिली है। आप तमाम देख पा रहे हैं, ये देखिए आप। जी उनके हाथ में एक एक छात्रों की मांगों के बदले पुलिस की लाठियां उनको यहां पर मिल रही है। भारत, उनके हाथ में एक पैम्पलेट भी है, शायद मांगे यहां पर लिखी उनकी शिकायतें हैं। पॉसिबल हो तो ये भी हाथ में लेकर एक बार पढ़ के सुनाइएगा, बताइएगा कि आखिर उसमें क्या लिखा है। देखिए पूनम, बिल्कुल छात्रों की कई मांगे हैं, आप देख सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की सामान्य व्यवस्था, यानी कि सड़क पानी में सुधार यहाँ पर किया जाए, न्यू सेंट्रल लाइब्रेरी की साल संभाल यहाँ की जाए, महारानी महाविद्यालय में बैंक, पुलिस चौकी और इमित्र की स्थापना यहाँ पर की जाए, 10% फीस की वृद्धि पर रोक लगाई जाए, यूजी और पीजी की 20% सीधों में बढ़ोतरी की जाए, बंद पड़े विभागों को फिर से यहाँ पर लागू किया जाए। तमाम जो मांगे हैं आपने सुनी यहाँ पर, इन मांगों को लेकर जब छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने पहुंचते हैं तो उनको पुलिस की लाठियां यहां पर मिलती है। देखिए, आपने देखा दो दो बार पुलिस की ओर से लाठी चार्ज छात्रों पर किया गया। जी ये राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जी पूनम, बिल्कुल भारत, इससे बेहतर तो ये होता कि किसी छात्र नेता को बुला लिया जाता, उनसे पूरे तरीके से शिकायतों का अमली जामा जो है वो पहना लिया जाता अपने बैठक के अंदर, ताकि ये नौबत आती ही नहीं। और अभी भी देर नहीं हुई है, हम भी पहल कर सकते हैं भारत,
कि उन तक ये जानकारी पहुंचा दी जाए कि एक बार छात्र नेता को बुला लिया जाए, उनकी मांगों को सुन लिया जाए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक छात्र नेता लंगड़ाता हुआ चल रहा है, किसी के सिर में चोट है, किसी के सिर से खून निकल रहा है और निशान यहाँ पर पड़ चुके हैं लाठियों के। ये तो बहुत ही बड़ा सवाल फिलहाल खड़ा हो रहा है और सवाल बार बार हम भी यही कह रहे हैं कि आखिर सिंडिकेट बैठक के अंदर कौन सी समस्या का समाधान हो रहा है जब छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर बाहर बैठे हैं। एक साल के बाद ये बड़ी बैठक हुई है भारत। देखिए बिल्कुल पूनम, अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहता तो ये लाठी चार्ज की नौबत है वो यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि छात्रों से एक भी बार संवाद नहीं किया गया। यही कारण है कि पुलिस को लाठी चार्ज यहाँ पर करना पड़ा और छात्रों ने अपना संयम खोया। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर यहाँ पर पहुंचे। जो वार्ता अब पुलिस के आला अधिकारी छात्रों के साथ कर रहे हैं, अगर ये पहल पहले की होती, उनकी मांगों पर उनका ज्ञापन अगर पहले लिया होता तो आज पुलिस की ओर से दो दो बार लाठीचार्ज नहीं करना होता। कई छात्र नेता इस लाठीचार्ज में घायल हुए हैं, कई छात्र नेताओं को हाथ और पैरों में चोट यहाँ पर आई है। देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें अगर छात्रों की मांग उठाई जाती है तो उसके बदले में पुलिस की लाठियां उनको मिलती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपनी जो तैयारी करके बैठा था शायद उनको मालूम नहीं था कि इस तरह का भी मंजर यहाँ पर देखने को मिलेगा और अपने नाकामी को छुपाने के लिए दो दो बार लाठी चार्ज छात्रों पर पुलिस की ओर से यहाँ पर किया गया। तो कहीं ना कहीं कई सवाल पुलिस की कार्यशैली पर खड़े होते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन जो अपने ही छात्रों को अपने ही कैंपस में पुलिस के द्वारा पिटवाता है, क्योंकि देखिए ये बहुत छात्र हैं, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कोई भारी स्टूडेंट नहीं है, और प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर उसके बदले में लाठीचार्ज इनको मिलता है तो कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल, जब उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा तो किसी न किसी तरीके से अपनी मांगों को तो पहुंचाएंगे, क्योंकि बैठक खत्म होगी और जो दिग्गज है वो अपने अपने निवास पर पहुंच जाएंगे, फिर इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ कोशिश तो करेंगे, लेकिन बदले में लाठियां मिलना ये कहां से जायज है। अब एक बार ये बताइए, मुझे अपडेट कीजिए भारत, क्योंकि हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि आखिर छात्र नेता अब कौन सी मांगे तो उनकी बहुत बड़ी है, लिस्ट है, और वो खुद के लिए नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी के लिए, छात्राओं के लिए है। और अब वो कब तक यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे, अब वो क्या चाहते हैं, आखिर वो कब उठेंगे, क्योंकि शायद आप पुलिस उनसे समझाइश करने की कोशिश कर रही है भारत। एक बार जानिएगा क्या क्या बातचीत हो रही है उनके बीच में। देखिए तमाम जो मांगे छात्र नेता यहाँ पर लेके आए हैं उनमें बहुत मामूली सी मांगे हैं जो छात्रों की आसानी से पूरी हो सकती हैं, जिनमें यूजी और पीजी की 20% सीटों में बढ़ोतरी की मांग हो, या इसके साथ साथ जो हमेशा हर शैक्षणिक स्तर में राजस्थान यूनिवर्सिटी 10% की जो फीस में बढ़ोतरी करती है उस फीस को बढ़ाया नहीं जाए, ये प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर। जब छात्र नेता यहाँ पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनको लाठियां यहाँ पर मिली और सिंडिकेट की बैठक में बहुत आसानी से इस तरह की चीजें हैं वो हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर विधायक यहाँ पर रहते हैं, वो भी छात्रों की मांगों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं जी। और पहले भी इस तरह की जो चीजें हैं, ये देखिए आप, छात्र नेता अब अंदर घुसने का प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं, तो लगता है एक बार फिर से पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए भगदड़ का सा माहौल फिर से एक बार यहाँ पर हुआ है, बिल्कुल छात्र नेता मानने को यहाँ पर तैयार नहीं है। और ये देखिए फिर से एक बार पुलिस ने अपने डंडे यहाँ पर चलाए, ये छात्र नेता है राजस्थान यूनिवर्सिटी भारत, वो यूनिवर्सिटी है जिसमें छात्रों को रोकने का प्रयास कई कई राजनेता हमें दिए हैं, दिग्गज हमें दिए हैं, तो क्या संदेश हम उन नौजवानों को दे रहे हैं। नौजवानों की बात यहाँ पर सरकारें करती आई है, आखिर क्या मैसेज दे रहे हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है भारत जहाँ पर दुनिया से भी लोग आते हैं, सिर्फ देश ही नहीं बाहर से विदेशी छात्र भी पढ़ने आते हैं, आखिर क्या संदेश हम दे रहे हैं भारत। तस्वीर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहां सिंडिकेट की बैठक जहां चल रही है, कुछ छात्र नेता वहां तक पहुंचने में सफल हो चुके हैं। तो ये देखिए जो पुलिस प्रशासन की जो तमाम चीजें थी वो पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए एबीपी के जो छात्र हैं इसी हॉल के अंदर सिंडिकेट की बैठक है वो यहां पर चल रही है,
बिल्कुल भारत, क्योंकि आप भी हर एक विजुअल हमें दिखा पा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, हम अपने दर्शकों को हर एक अपडेट कर रहे हैं कि क्या इंतजाम सिंडिकेट की बैठक से पहले रहे होंगे। जी पूनम, बिल्कुल बिल्कुल भारत, क्योंकि ये तस्वीरें परेशान करने वाली है उन छात्रों को जो यहां पढ़ते हैं, जो आगे भी पढ़ने आएंगे, जो वोट देते हैं अपने छात्र नेताओं को, इसलिए कि वो उनके हक की आवाज प्रशासन तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहां तो छात्र नेताओं की भी सुनी नहीं जा रही है भारत। पुलिस की ओर से इन छात्र नेताओं को, जो सिंडिकेट का हॉल था उसके बाहर, अब पुलिस की ओर से इन छात्र नेताओं को जो सिंडिकेट का हॉल था उसके बाहर से हटाया गया है जी। और छात्र जो एबीपी के यहाँ पर पहुंचे थे, अब ऑल ओवर अगर सिंडिकेट की बात की जाए पूनम, तो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वो तस्वीर पहले भी हमने दिखाई थी जब पुलिस की ओर से तमाम वो इंतजाम किए गए थे कि छात्र नेता अंदर यहाँ पर नहीं आ पाए, बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई थी, लेकिन वो तमाम इंतजाम पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल भारत, ये तस्वीरें जो है परेशान कर सकती है उन छात्रों को जिन्होंने छात्र नेताओं पर पूरा विश्वास किया था, लेकिन यहां तो छात्र नेताओं की सुनी नहीं जा रही। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि समस्या लेकर छात्र नेता बाहर